नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बीएड कॉलेजों में लेक्चरर बहाली को झटका, हाईकोर्ट ने 451 लेक्चररों की नियुक्ति रद्द की। पंचायत चुनाव में अनुमति के बगैर सभा नहीं कर पाएंगे उम्मीदवार, आयोग की पूरी गाइडलाइन जानिए। शराब के धंधेबाजों को अब ड्रोन से तलाशेगी नीतीश सरकार, पुलिस का मद निषेध विभाग करेगा खरीद। बिहार में एनएच के निर्माण की निगरानी अब हाईकोर्ट करेगा, बदहाली पर खुद लिया संज्ञान। मार्च के आखिर में पटना का पारा गरम, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा तय, जानिए कौन कितना खर्च कर पाएगा। टैक्स वसूली का मिशन मार्च, 25 से शुरू होगा वाहन चेकिंग अभियान। 30 बेड का बनेगा नया अस्पताल, 3270 पदों पर होगी आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सकों की बहाली। सोशल मीडिया पर कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती, जानिए क्या कहती है साइबर सेल की गाइडलाइन। होली में रंगों के साथ खानपान को लेकर रहे सावधान, कहीं मिलावटी सामग्री ना बिगाड़ दे आपकी सेहत। अब खबरें विस्तार से। राज्य के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों यानी कि बीएड कॉलेजों में लेक्चरों की बहाली को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में की गई 451 लेक्चरों की बहाली को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने रवि कुमार समेत कई अन्य की तरफ से दायर 3 ट्रीट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट के अंदर आवेदकों की तरफ से अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और योगेंद्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने साल 2016 में सरकारी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में 478 लेक्चरर की बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में विकलांग छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए 38 समावेशी शिक्षा के लिए रखे गए थे, लेकिन इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की गई। यहां तक कि प्रकाशित विज्ञापन में कोई बदलाव नहीं किया गया, नियुक्ति संबंधी नियमों का उल्लंघन बताते हुए याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति के सभा करने पर प्रशासन द्वारा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार उम्मीदवार को स्थानीय थाने में भी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात नियंत्रित करने में पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके। चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड-19 के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करना होगा। आयोग के अनुसार सभा के आयोजन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी देंगे। सभा के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए भी अनुमति लेनी होगी। हैंड माइक का उपयोग सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित सभा में हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक का उसके ऊपर के स्तर का कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है और उसके साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अब बिहार में शराब के धंधेबाजों की खैर नहीं है। दियारा जंगल पहाड़ के साथ ही साथ सभी इलाकों में अब ड्रोन से शराब के धंधेबाजों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए बिहार पुलिस की मद निषेध इकाई को शराब के धंधे पर नजर रखने के लिए कैमरे वाले ड्रोन से लैस किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की समिति ने ड्रोन खरीद की मंजूरी दे दी है। इसके लिए जल्द ही खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मद निषेध के साथ ही साथ जिला पुलिस को भी ड्रोन मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद भी इसका धंधा खूब फल फूल रहा है। लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस को दूर के इलाकों में इस पर नजर रखने में दिक्कत होती है। जब तक पुलिस पहुंचती है, शराब के धंधेबाज भाग जाते हैं। यही वजह है कि पुलिस की मद निषेध इकाई ने ड्रोन की मांग की थी। फिलहाल 6 ड्रोन खरीदे जाएंगे। यह ड्रोन उड़ान क्षमता कम से कम 45 मिनट की होगी। इसका रेंज कम से कम 3 से 5 किलोमीटर की होगी। इस ड्रोन की कीमत 5 लाख रुपये तक होगी और उच्च गुणवत्ता का कैमरा होगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच की बदहाल स्थिति को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। पटना हाईकोर्ट ने तय किया है कि वह राज्य के सभी एनएच के निर्माण और मरम्मती की निगरानी करेगा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से कहा है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम और नंबर से अलग अलग केस दर्ज करें। इस तरह 40 अलग अलग याचिकाएं कोर्ट में दाखिल करने को कहा गया है। सोमवार को इस मामले पर अहम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग का रोड मैप कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के सीनियर वकील में
राष्ट्रीय के निर्माण में होने वाली परेशानियों से कोर्ट का वाकिफ कराया था। उनका कहना था कि ज़्यादातर एनएच के निर्माण में भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या है। जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार को करना है। समय पर भूमि अधिग्रहण का काम नहीं होने पर निर्माण कार्य में देरी हो रही है। मार्च महीने के आखिरी दिनों में गर्मी ने राजधानी पटना समेत बिहार के लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। सोमवार को बिहार में मौसम का मिजाज बेहद कड़ा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में पारे में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। पटना में गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते साल मार्च महीने में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा था। सूबे में अधिकतम तापमान भागलपुर में दर्ज किया गया है। यहां अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 1-2 दिनों तक गर्मी का यही रुख जारी रहेगा। पटना में शुष्क हवाओं के कारण आर्द्रता 31% तक पहुँच गई है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है कि किस पद के उम्मीदवार को चुनाव में कितनी राशि खर्च करनी है। इसे लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि खर्च की सीमा पिछले चुनाव के बराबर ही रखा गया है। इसमें 10% की वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया है। आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार अधिकतम 1 लाख तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के लिए उम्मीदवारों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40,000 तय की गई है। पंचायत समिति के सदस्य के लिए उम्मीदवार 30,000 तक खर्च कर पाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत सदस्य और पंच के लिए उम्मीदवार 20,000 तक खर्च करेंगे। मार्च महीने में टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब एक बार फिर वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत होने जा रही है। पटना ट्रैफिक पुलिस 25 मार्च से स्पेशल ड्राइव चलाएगी। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं लगाकर बाइक पर बैठने वाले को जुर्माना भरना होगा। बाइक पर ट्रिपल लोडिंग के साथ साथ बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले पर, गलत जगह पार्किंग करने वाले और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक SP अमरकेश रेड्डी के मुताबिक 10 दिनों तक पटना में यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बाइक पर ट्रिपल राइडिंग करने वाले के ऊपर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर 1,000 रुपये, बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये और सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाले चालक को 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। पटना के नौबतपुर में 30 बेड के नए अस्पताल के निर्माण की योजना पर विचार किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के अनुरूप कार्य किया जाएगा। मंगलवार को विधान परिषद में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। व्हिप सदस्य CP सिन्हा के सवाल पर जवाब में उन्होंने बताया कि 2,632 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी व 3,706 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने व्हिप सदस्य खालिद अनवर के सवाल के जवाब में बताया कि पटना में संचालित आयुर्वेदिक महाविद्यालय में UG के सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कराई गई है। कुछ 6 विषयों में PG की पढ़ाई शुरू हुई है। वहीं यूनानी प्रक्षेत्र में पटना में संचालित राजकीय तिब्बी कॉलेजों में UG की सीटें 60 से बढ़ाकर 125 की गई है। 5 विषयों में 31 सीटों पर PG के नामांकन की अनुमति प्राप्त की गई है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में संचालित होम्योपैथ प्रक्षेत्र के महाविद्यालय में RBTS में भी UG के 60 सीट से बढ़ाकर 75 की गई है और 2 विषयों में PG की पढ़ाई शुरू की गई है। क्या आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में ना जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं। इसका नुकसान भी कई मामलों में होता है। हालिया दिनों में ऐसे प्रकरण खूब आए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई की साइबर सुरक्षा टीम ने सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया पर क्या करें और क्या ना करें लिस्ट बनाकर लोगों को जागरूक कराने का काम किया गया है। गाइडलाइन में सुरक्षा को लेकर क्या करें की तैयार लिस्ट में बताया गया है कि हमेशा नियमित अंतराल पर पासवर्ड बदलते रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्राइवेसी सेटिंग का प्रयोग जरूर करें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर निजी तस्वीर या किसी प्रकार की निजी जानकारी साझा करने से बचें। किसी भी प्रकार के डाउनलोडिंग से पहले सुरक्षा ब्राउज़र सेटिंग को इनेबल कर दें।
त्योहार आते ही शहर के अलावा पटना जिले के ग्रामीण इलाकों में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। होली रंगों के साथ साथ खानपान का त्योहार भी है। ऐसे में ये मिलावटखोर बड़े पैमाने पर पहले से ही अपना धंधा शुरू कर देते हैं। त्योहार पर ज्यादातर चीजें मिलावटी मिलती है। इनमें मिलावटी इतनी सफाई से की जाती है कि इनकी पहचान करना मुश्किल है। ऐसे में खरीदारी के समय थोड़ी सी जानकारी बीमार होने से बचा सकती है। दूसरी ओर त्योहार नजदीक है, लेकिन अभी तक खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शहर में छापेमारी भी शुरू नहीं की गई है। अगमकुआं स्थित राज्य का इकलौता फूड सेफ्टी लैब इन दिनों काम नहीं कर रहा है। पिछले कई महीनों से राष्ट्रीय परीक्षण और असंशोधन प्रयोगशाला प्रत्यापन बोर्ड ने पटना के सरकारी इस लैब की मान्यता को समाप्त कर दिया है। लिहाजा अब बिहार के सैंपल्स को कोलकाता भेजना डिपार्टमेंट की मजबूरी है, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट पहले 14 दिनों में आती थी उसे आने में महीने भर से भी ज्यादा का समय लग रहा है। NBL से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं दिया गया था। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।